देख रहे अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूँ मोना। स्मार्ट सिटी के नाम पर चल रहा बंदर बांट, इसकी शिकायत करूंगा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से। भागलपुर सांसद अजय मंडल। भागलपुर सांसद आज काफी तेवर में दिखे। उन्होंने कहा भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ पैसों का बंदर बांट हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी के नाम पर राजस्व की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो रही है। गौरतलब हो कि स्मार्ट सिटी का कार्य भागलपुर में कई महीनों से चल रहा है। इसी बाबत आज भागलपुर सांसद अजय मंडल ने सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्विमिंग पूल, ओपन थिएटर, स्टेडियम, वॉलीबॉल ग्राउंड, जिम, बच्चों के खेलने का पार्क के साथ साथ अन्य जगहों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन सब में अनेकों खामियां पाई गई। इस संबंध में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसों का बंदर बांट हो रहा है और राजस्व की पूर्ण रूपेण बर्बादी हो रही है। वहीं उन्होंने काफी तेवर में मल्टीपर्पज जिम के विषय में भी कहा। इस जिम का शुल्क इतना अधिक है कि सैंडिस कंपाउंड में जिम के माध्यम और गरीब तबके लोग इससे वंचित हो जाएंगे और इस जिम को बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। वहीं सांसद ने कहा जब आम लोगों के लिए जिम अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है तो फिर यहां अधिकारी कैसे पहुंच जाते हैं। अगर अधिकारी यहां जिम के लिए पहुंचते हैं तो उनके लिए भी ताला बंद कर दी जाए और स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कार्यों में अनियमितता को लेकर इन सब बातों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की भी बात कही। देखिए जितनी खामियां अभी तक मिला और जो हमें आपके पेपर के माध्यम से, आपके अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, ये हमारे भागलपुर जनता के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत ही इनके विकास के रुकावट के लिए बहुत ही बड़ा ठोकर बना हुआ है। जैसे कि इसमें सैंडिस कंपाउंड में जो जो शुल्क निर्धारित किया गया है जिम के लिए, बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड के लिए, वो बिल्कुल ही जनता के लिए नहीं है। वो लगता है कि ये पूंजीपतियों ने अपने लिए बनाया है, यहाँ के पदाधिकारियों ने अपने के लिए इस जिम को खोला है कि उन्हीं का बच्चा आकर के रहे, क्योंकि इतना जिम में इतना पैसा नहीं दे सकेगा, इतना जो शुल्क है बच्चे का प्लेग्राउंड का वो नहीं दे सकेगा। और ये तो सरासर भागलपुर की जनता के साथ इतना बड़ा गलत किया है पदाधिकारियों ने इस शुल्क को बना दे करके।